हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 5 ऑफ जियो। चैप्टर नेम इज मिनरल एंड पावर्स। इन दैट चैप्टर वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट अबाउट मिनरल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। एंड टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेस। पावर एंड एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पावर एंड एनर्जी, पावर क्या हो गया, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन, ठीक है। एनर्जी क्या आती है, एबिलिटी ऑफ द मैटर टू वर्क ड्यू टू इट्स मास, मोशन, इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके। पावर एंड एनर्जी हैज़ अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, कि पावर और एनर्जी का जो रोल है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड नीड पावर ऑफ कैरिंग आउट वेरियस ऑपरेशंस। इसमें क्या आ गया कि जो इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इस सब में हमें, इस सभी फील्ड्स में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, पावर की, ठीक है। पावर फॉर कैरी आउट वेरियस ऑपरेशंस। द होल वर्ल्ड विल स्टॉप इफ़ देयर इज नो पावर, कि पूरा जो वर्ल्ड है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा अगर पावर नहीं है तो, ठीक है। 86% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाई कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, द बैलेंस 14% इज फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेस। इसमें क्या आ गया कि जो 86% वर्ल्ड की जो एनर्जी है वो सप्लाई कहाँ से होती है, कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, कि द बैलेंस 14% जो वो कहाँ से आती है, रिन्यूएबल सोर्सेज से, ठीक है। द राइज इज पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज द कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द राइज इज कंजप्शन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया कि जो पॉपुलेशन होगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, जो स्टैंडर्ड लिविंग, जो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या करती है, वो कंट्रीब्यूशन कर रही है कि राइज द कंजप्शन, की जो एनर्जी की कंजप्शन रिसोर्सेज हैं उनको राइज करने के लिए, ठीक है। टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, द एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड द कॉन्वेंटेशनल एंड नॉन कॉन्वेंटेशनल। जो कॉन्वेंटेशनल रिसोर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्वेंटेशनल रिसोर्सेस, द एनर्जी सोर्सेज हैज़ बीन इज़ यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड द कॉन्वेंटेशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी, कि जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं वो लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें उनको क्या कॉल करते हैं, कॉन्वेंटेशनल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, कोला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर द मेन कॉन्वेंटेशनल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में आ जाता है, फॉसिल फ्यूल्स में क्या आ जाता है कि द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट वर बरेड मिलियन ऑफ ईयर अगो गॉट द कन्वर्टेड इनटू फॉसिल ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, उसमें क्या है कि एक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो मिलियन ईयर अगो तक क्या होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जब वो ब्रड हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, फॉसिल से, ड्यू टू द ग्रेट हीट और प्रेशर। किसके कैसे होते हैं, हीट और प्रेशर की वजह से। इट टेक मिलियन ऑफ ईयर टू फॉर्म देम, कि ये मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं उसको फॉर्म में आने में, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक द कोल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैसेज आ गई, कि ये प्रेजेंटली यूज एज अ फ्यूल एनर्जीज, ठीक है। दे आर नॉन renewable resources of their deposit cannot be replenished in the immediate future. इसमें ये नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, इनको डिपॉजिट नहीं किया जा सकता और replenishment भी नहीं किया जा सकता फ्यूचर में, ठीक है। कोल इज कंपेरेटिवली abundant दैट द अदर फॉसिल फ्यूल्स, कि जो कोल है वो कंपेरेटिवली abundant देन अदर फॉसिल की ये तुलनात्मक तौर पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। द ब्लैकिश ब्राउन कोल इज़ ओनली यूज फॉर फ्यूल, कि जो ब्लैकिश और ब्राउन कोल्स होते हैं वो किसके लिए, आग के लिए, जलाने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं ईंधन के
बालन जैसे पंजाबी में बोलते हैं, उसके जगह पे यूज़ किया जाता है। इट ऑकर इन द सेडिमेंट्री रॉक, ये क्या ऑकर करता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। कोल इज यूज फॉर कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मेटलिजिकल एंड द सीमेंट इंडस्ट्री। कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होता है? कुकिंग में, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी में, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है। बेस्ड ऑन द टाइम फॉर्मेशन द फॉलोइंग आर द फोर मेन ग्रेड ऑफ कोल्स। ये फोर मेन ग्रेड्स हैं कोल के, ठीक है? जैसे पीट, इट इज़ द मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल विच गिव अस द स्मोक वाइल बर्निंग। कि जो पीट होती है ए मोस्ट इंफीरियर क्वालिटी होती है कोल की, जो हमें क्या देती है? धुआं देती है वाइल बर्निंग, ठीक है? लिग्नाइट, इट द ब्राउन ऑफ कलर, ब्राउन टू ब्लैक इन कलर एंड वुडी फ्रॉम ऑफ कोल। कि जो ए इसका क्या कलर होता है? ब्राउन, ब्राउन टू ब्लैक इन कलर, ठीक है? वुडी फ्रॉम द कोल्स, ठीक है? इट कैन बी इजिली माइंड, ये इजिली माइंड किया जाता, माइंड किया जाता है, मिल जाता है, ठीक है? इट हैज़ द हाई मॉइस्चराइज्ड कंटेंट कंटेंट एंड लेस कार्बन कंटेंट, सो द केसेस आर मोर पोल्यूशन देन अदर वराइटीज ऑफ कोल। इट इज़ यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट फाउंड इन नैवेली टू नैवेली ऑफ तमिलनाडु इन इंडिया। अंडरस्टूड, ये तमिलनाडु में मिलता है, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है? बिटुमिनस इज, इट इज़ ऑल्सो कॉल आ इंडस्ट्रियल कॉल और ब्राउन कॉल। इसको इंडस्ट्रियल कॉल और ब्राउन कॉल भी बोला जाता है। इट इज़ डल ब्लैक और ब्लैकिश ब्राउन इन कलर, ये डल ब्लैक और ब्लैकिश ब्राउन कलर में होता है। विद रिलेटिव हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन कॉन्टैक्ट इट मोस्टली यूज, इट इज़ द मोस्टली यूज कॉल, ठीक है? इंथ्रेसाइट, इट इज़ द हार्ड एंड शाइनी विद द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन कॉन्टैक्ट। इट बर्न विदाउट मच फॉर्म, सो इज मेनली यूज टू स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है? एंथ्रेसाइट इज द फाउंड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। अंडरस्टूड?